हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको कराएंगे क्वेश्चन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म लैग्रांजे थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। तो इस क्रम में देखिए, सबसे पहले हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन ग्रुप। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन का मतलब होता है रेशियो, यानी कि ये किसी चीज़ का रेशियो निकाला जाएगा। अब कैन का रेशियो निकाला जाएगा। अब मान लीजिए जी कोई हमारे पास ग्रुप है, जी क्या है, कोई ग्रुप है, और एच हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा, यानी कि डिवीजन। ऐसे तो जी अपॉन एच को हम जो कहेंगे वो कहेंगे क्वेश्चन ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप। आप देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। जी कोई ग्रुप है और एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तब जी अपॉन एच यानी इसका जो रेशियो होगा वो क्वेश्चन ग्रुप कहलाएगा। अब ये रेशियो कैसे निकालना, देखिए, लेट जी वी अ ग्रुप ऑफ एंड एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन जी अपॉन एच इज कॉल्ड द क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एच इन जी। ठीक, अब देखिए क्या है, क्वेश्चन ग्रुप में जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, राइट कोसेट एच ए, ए क्या है इसका, जी का एलिमेंट है, ग्रुप एलिमेंट है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ एच इन जी सेट टू बी क्वेश्चन ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप होगा उसके प्रत्येक एलिमेंट को ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उसके राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई की जाएगी और उन सभी का कलेक्शन यानी उन सभी को मिला के जो सेट बनेगा वो कहलाएगा क्वेश्चन ग्रुप। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए जी हमारे पास ग्रुप है और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो है ए बी और सी। ठीक है, हमारे पास ये एलिमेंट है और एच क्या है इसका, कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, उसमें हम एलिमेंट मान लेते हैं बी और सी। देखिए एच पहले सब ग्रुप होता है उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप होता है। कुछ कंडीशन होती है नॉर्मल सब ग्रुप की, जब वो सेटिस्फाई करता है उस कंडीशन को तो सब ग्रुप ही नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ मैं एक है ग्रुप और एक नॉर्मल सब ग्रुप को मान रहा हूँ। ठीक है, तो कलेक्शन कैसे निकालना, देखिए क्या बताया था हमने, जी अपॉन एच। तो अब ये कैसे निकलेगा, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑल राइट कोसेट। तो कैसे, एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे हम जी का और उसको एच के प्रत्येक एलिमेंट से राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए बी को हमने किससे करनी है, ए से मल्टीप्लाई करनी राइट हैंड साइड में, सी को भी ए से मल्टीप्लाई करनी राइट हैंड साइड में। उसके बाद दूसरा एलिमेंट उठा लेंगे बी, बी को बी से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, बी से सी को भी राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा एलिमेंट सी है जी में, ये वाला एलिमेंट होएंगे और इसको एच से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो दूसरा एलिमेंट है एच का उसको भी राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके बाद जो इन सभी का कलेक्शन होगा, जो बड़ा सेट बनेगा, उसे हम कहेंगे क्वोशेंट ग्रुप। तो ये जो जी अपॉन एच है ये क्वोशेंट ग्रुप कहलाता है। तो एक बार और समझेंगे, जी कोई ग्रुप है और एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तब इनका जो रेशियो होगा यानी जी अपॉन एच होगा उसे हम क्वोशेंट ग्रुप कहेंगे, और इसके अंदर जो एलिमेंट लिए जाएंगे ऑल कलेक्शन ऑफ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप के जो जितने भी राइट कोसेट होंगे उन सभी का जो कलेक्शन होगा वो क्वेश्चन ग्रुप कहा जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब समझते हैं होमोमॉर्फिज्म। देखिए होमो का मीनिंग होता है सेम और मॉर्फिज्म का मतलब होता है मैपिंग, यानी कि सेम मैपिंग। अब सेम मैपिंग से मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर कोई मैपिंग है और दूसरी यहाँ पर एक सेट है, एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है, इसमें जो मैपिंग है वो सेम है। सेम का मतलब मान लीजिए एफ है, तो एफ इसमें भी है और इसमें भी है। अब यहाँ पे जो होगा वो ग्रुप होगा और जो दूसरा वाला होगा वो भी ग्रुप होगा। अगर पहले ग्रुप की दूसरे ग्रुप से अगर सेम मैपिंग एफ होती है तो उसे हम होमोमॉर्फिक कहते हैं। अब ये दो प्रकार की हो सकती है, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म इन टू। ऑन टू का मतलब क्या होता है ये भी मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये होमोमॉर्फिज्म इन टू का मतलब ये है कि जी डैश के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी की इमेज ना हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए जी डैश में जो सी डैश एलिमेंट है वो जी के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो इसे हम कहेंगे होमोमॉर्फिज्म इन टू, यानी कि सेम मैपिंग वाला, सेम सेट वाला
मैपिंग सेम सेट वाला, अलग अलग सेट वाला सेम मैपिंग, यानी कि जी अलग ग्रुप है, दूसरा जी डैश अलग ग्रुप है, लेकिन इनकी जो मैपिंग एफ है वो क्या है, दोनों में सेम है, ठीक है। और यहाँ पर है होमोमॉर्फिक ऑन टू, तो इसमें क्या देखिए, ये जी ग्रुप है और जी डैश एक दूसरा ग्रुप है, लेकिन इसके जो मैपिंग है वो दोनों में क्या है, सेम है। अब यहाँ इसे ऑन टू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर जी डैश का प्रत्येक एलिमेंट जी के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज अवश्य हो तो उसे हम बोलते हैं ऑन टू। कहने का मतलब ये इसमें खाली नहीं होना चाहिए और इसमें कम से कम एक एलिमेंट खाली होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ जी जो ग्रुप है वो, उसमें जो ऑपरेशन है वो ओ है, और जो दूसरा ग्रुप जी डैश है इसका जो ऑपरेशन है वो ओ डैश है। ऑपरेशन से मतलब ये है कि जिस ऑपरेशन के लिए ग्रुप होता है, प्लस के लिए, माइनस के लिए, डिवीजन के लिए, या कुछ भी और भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें जो मैपिंग बनेगी उसे हम कहेंगे होमोमॉर्फिज्म इनटू, क्योंकि इसके अंदर छुट्टी हुई है, और इसके अंदर जो मैपिंग बनेगी उसे हम बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। होमोमॉर्फिज्म इन टू, ये मैपिंग एफ यानी कि ये जो है दोनों में कॉमन नहीं है, फ्रॉम अ ग्रुप जी, जी ग्रुप ये वाला, जी का मतलब यहाँ पे जी और ओ का क्या मतलब है उसमें ऑपरेशन, इन टू, इन टू का मतलब इसमें एक एलिमेंट खाली रहना, ग्रुप जी डैश, जी डैश का मतलब दूसरा ग्रुप जो है वो जी डैश है और उसका जो ऑपरेशन है वो अलग है, यानी दोनों ग्रुप का ऑपरेशन डिफरेंट है लेकिन मैपिंग क्या है, सेम है। सेट टू बी होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी इंटू जी डैश क्या कहलाएगी, अगर इसके जी के जो एलिमेंट है उनके बीच में हम कोई ऑपरेशन लगाएं, उस पर मैपिंग लगा दें, और फिर जो जी डैश एलिमेंट है ए डैश और बी डैश इन पे मैपिंग लगा दें, इस पे जो ग्रुप है इस पर जो ऑपरेशन है वो ओ है और इस पर जो ऑपरेशन है वो क्या है, ओ डैश है, दोनों पर डिफरेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों पर ऑपरेशन क्या है, डिफरेंट है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब पहला वाला जो कहलाएगा होमोमॉर्फिज्म इन टू कहलाएगा। बिल्कुल सेम कंडीशन देखिए ये भी है, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, ए मैपिंग है फ्रॉम ए ग्रुप जी ऑन टू ग्रुप जी डैश, इसका जो एलिमेंट ऐसे होगा ओ डैश, ओ डैश का मतलब ऑपरेशन और यहाँ ओ का मतलब ओपन, दोनों में ऑपरेशन जो डिफरेंट है लेकिन मैपिंग सेम है। इसमें बस क्या है कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा जी डैश का। सेट टू बी होमोमॉर्फिज्म ऑन टू जी डैश इफ कब कहलाएगा, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान रखना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है इस वाले ग्रुप का ऑपरेशन लगाना, और जो राइट हैंड साइड में है वो दूसरे वाले ग्रुप का ऑपरेशन लगाना, ठीक है। ये कंबाइन में इमेज लग रही है, ये अलग अलग इमेज लग रही है, तो ये जो डेफिनेशन है वो है होमोमॉर्फिज्म इन टू। अब इसे कुछ हम एग्जाम्पल कराएंगे जिससे ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो लीजिए एक एग्जाम्पल आपके सामने है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम अच्छे से इसको समझते हैं कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ इंटीजर, एक जी क्या है, ग्रुप है किसके लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। और कैसा है ग्रुप, इंटीजर का सेट है। दूसरा एक और ग्रुप हमें दे रखा है जी डैश, इसमें ये फंक्शन हमें डिफाइन है बी ग्रुप, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो कहने का मतलब लेफ्ट में जो ऑपरेशन है वो प्लस है और राइट का जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन है, और ये हमें एफ जी से जी डैश में एक मैपिंग है, ये फंक्शन हमें दे रखा, एन क्या है जेड बिलोंग्स टू जेड एन इंटीजर के, देन इट विल, तो हमें बताना है इसमें से क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म नॉन होमोमॉर्फिज्म कांट से और नॉन नन, तो इनमें से क्या होगा। तो जैसा कि हमने बताया था कि हम जो है एक फंक्शन यहाँ पे लेंगे, फंक्शन जो होगा वो दोनों में कॉमन होगा, यानी सेम मैपिंग होगी, यानी 2 की पावर n क्या यहाँ पर एक सेम फंक्शन है। अब हमें क्या लेने, लेफ्ट कंडीशन जो है, कंडीशन क्या हमारी ये है कि एफ ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी यानी ए और बी किसके, जी के एलिमेंट होंगे, और ये किसके बराबर होना चाहिए, एफ ए यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा ये जी डैश वाला होगा, ये जो ऑपरेशन है लेफ्ट में ये ऑपरेशन जी वाला है और ये वाला जो ऑपरेशन है जी डैश वाला होगा। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो जो है प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या है, दो एलिमेंट ले लेते हैं जेड के अंदर, तो ले लेंगे लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, दो एलिमेंट ले दिए इसके अंदर जेड के अंदर, तो अब हमने क्या करा, एफ एक्स के प्लेस पे अब पहले क्या ऑपरेशन लगाना है, लेफ्ट में, लेफ्ट में ऑपरेशन लगाना हमें प्लस का, तो हमने ए प्लस बी एक्स के स्थान पर देखिए प्लस ऑपरेशन लगा दिया। अब एन के स्थान पर हमें क्या लगाना, जैसे यहाँ पे एक्स है और यहाँ भी क्या है, ये एक्स है, ये होगा यहाँ पे एन, सॉरी यहाँ पे एन है तो यहाँ भी एन है, ठीक। तो एन के प्लेस पे हमने रख दिया ए प्लस बी। अब देखिए इसको मैं ब्रेक कर कैसे ले सकता हूँ, 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b, ठीक है। और यहाँ पे गुणा में घाते जुड़ती हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो ऊपर वाली लाइन आ जाएगी। 2 की पावर a के प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं, इसके प्लेस पे हम ले सकते हैं एफ ए मल्टीप्लाई 2 की पावर b के स्थान पर ले सकते हैं एफ बी, ठीक
है, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे कि लेफ्ट में जो ऑपरेशन है वो कैसा है, प्लस ऑपरेशन है यानी कि जी वाला ऑपरेशन है, और राइट में जो ऑपरेशन है ये वाला, ये जी का ऑपरेशन है, और ये राइट में जो ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है यानी कि जी डैश का ऑपरेशन है। ठीक है, तो लेफ्ट में जी का ऑपरेशन आया, राइट में जी डैश का, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब ये जो ऊपर दे रखा है मैपिंग वो कैसा, सेम मैपिंग जो दे रखा है वो है होमोमॉर्फिक। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो लीजिए एक और एग्जाम्पल होमोमॉर्फिज्म का स्क्रीन पे है। क्या है एग्जाम्पल, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पे जी एक ग्रुप है और क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, और ऑपरेशन क्या है इसका, मल्टीप्लीकेशन। एक दूसरा ग्रुप है जी डैश, ठीक है, वी या ग्रुप अंडर प्लस, इसका जो ऑपरेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और जो एलिमेंट हमें लेने हैं वो कहाँ लेने हैं, पहले वाले ग्रुप के अंदर के एलिमेंट लेने हैं यानी पॉजिटिव लेने हैं, और ये जो कॉमन फंक्शन है मैपिंग है वो हमें ये दे रखा है। ठीक है, तब इसमें से बताना कौन सा होगा। तो यहाँ पर जैसा कि पहले हमने बताया था, दो एलिमेंट ले लेंगे हम, ए और बी ले लिए, किसके अंदर लेने, जो हमें दे रखा क्वेश्चन में, आर पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, और फंक्शन क्या दे रखा हमें, कॉमन फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू लो एक्स, ये हमें कॉमन फंक्शन दे रखा है। अब इसमें लेफ्ट में जो ऑपरेशन है वो कैसा, मल्टीप्लाई, तो हम देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट ले ले रहे हैं जी के, और उसमें क्या लगा है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगा देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई लगेंगे तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब एक्स के स्थान पे ए क्रॉस बी लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए क्रॉस बी। एम गुणा एन का फॉर्मूला हम जानते हैं, लॉग एम प्लस एन, यानी कि लॉग ए प्लस लॉग बी ये आ जाएगा। ठीक है, और लॉग ए को हम क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ से एफ एक्स बराबर लॉग एक्स है, और एक्स के स्थान पर मैं यहाँ ए रख दूँ इसमें, तो क्या आ जाएगा, एफ लॉग ए बराबर आ जाएगा एफ ए, प्लस के नीचे प्लस लग जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एफ बी, यहाँ पे लॉग बी की जगह क्या आ जाएगा, एफ बी। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है कैसा ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन, राइट हैंड साइड में कैसा ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन, मल्टीप्लाई किसका ऑपरेशन था, जी का, और ये प्लस ऑपरेशन किसका था, जी डैश का, और देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैपिंग ऊपर हमें दे रखा, कॉमन मैपिंग जो दे रखी है जी से जी डैश में, वो कैसी है, होमोमॉर्फिक में। ठीक है, तो मैं समझता हूँ होमोमॉर्फिक की जो डेफिनेशन है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आप समझते हैं लैग्रांजे थ्योरम। देखिए जैसा कि अभी हमने आपको जो पीछे थ्योरम बताई और वो क्लियर हो गई है, तो समझ लो लैग्रांजे थ्योरम भी आपकी बिल्कुल क्लियर होने वाली है, क्योंकि क्वोशेंट थ्योरम को आपने बहुत अच्छे से समझा, और इससे पहले जो हमने होमोमॉर्फिज्म बताई वो भी आपने अच्छे से समझ ली, तो लैग्रांजे थ्योरम भी आपको क्लियर होने वाली है। तो क्या क्या है लैग्रांजे थ्योरम, पहले देखिए स्टेटमेंट देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ इच सब ग्रुप और फाइनाइट ग्रुप, यानी कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप, यहाँ पर फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए, जरूरी है, फाइनाइट ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे उनका जो ऑर्डर होगा वो वही होता है जो उस ग्रुप के ऑर्डर के डिवाइजर होते हैं। अब ये वाला स्टेटमेंट अभी आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम्पल दूंगा तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो मान लीजिए जी हमारे पास एक कोई ग्रुप है, ठीक है, और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो 1 -1 आई और -i, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप है और इसका जो ऑर्डर है हम जानते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या कहलाएगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप सेट टू बी ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी जितने एलिमेंट होते हैं वही इसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, ये इसका ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे इसके हम डिवाइजर निकालेंगे, क्या निकालना है इसके, डिवाइजर, तो देखो डिवाइजर निकाल लेते हैं, डिवाइजर का मतलब ये है कि चार के फैक्टर, एक तो एक हो जाएगा, एक दो हो जाएंगे और चार हो जाएंगे, यानी कि चार की जो ग्रुप है उसके ऑर्डर के डिवाइजर, और ये जो डिवाइजर हैं इसके हम सब ग्रुप निकालेंगे जी के, और सब ग्रुप जो निकालेंगे उसके एलिमेंट का ऑर्डर एक दो और चार आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसके हम सब ग्रुप निकालेंगे, सब ग्रुप ऑफ जी, तो पहला सब ग्रुप क्या होगा इसका, पहला सब ग्रुप हो जाएगा एक, हो जाएगा 1, यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो स्वयं इसका एक सब ग्रुप होता है। दूसरा सब ग्रुप हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 और -1, और तीसरा सब ग्रुप इसका हो जाएगा, सब ग्रुप तो और भी होंगे लेकिन
ये जरूर होंगे जिसके डिवाइजर, जिनके जो ऑर्डर हैं 1, 2 और 4 होंगे। एक तो स्वयं में वो होता, सब ग्रुप भी होता है, प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता लेकिन सब ग्रुप होता है। या ठीक है, अब ऑर्डर देखिए इसका निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ एच वन, ऑर्डर ऑफ एच वन कितना आया, 1 आया। ऑर्डर ऑफ एच टू निकालेंगे, यानी कि इसका जो सब ग्रुप एच टू है उसका ऑर्डर कितना है, 2। ऑर्डर ऑफ ओ एच थ्री का मतलब ऑर्डर ऑफ एच थ्री, कितने एलिमेंट है इसमें, 4। तो कहने का मतलब ये है कि किसी सब ग्रुप जी के, किसी ग्रुप जी के जो सब ग्रुप होंगे उनके जो ऑर्डर होंगे ये वो उस ग्रुप के ऑर्डर के डिवाइजर होते हैं। यहाँ पर देखिए इसके डिवाइजर क्या, 1, 2 और 4। और इसका जो सब ग्रुप है जी का, उसके जो सब ग्रुप है उनका जो ऑर्डर वो बिल्कुल सेम है, यही कहलाती है लॉग्रांजे थ्योरम। यहाँ पे एक बात और है, यहाँ लिखा कन्वर्स ऑफ लैग्रांजे थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू। देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि किसी ग्रुप के जो ऑर्डर होता है उसका जो डिवाइजर होते हैं, सब ग्रुप जो हो गए उसके जो ऑर्डर होंगे वो सेम होंगे, लेकिन इसका अपोजिट ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। ठीक है, तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इसके सब ग्रुप होंगे कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाले तो होंगे होंगे लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा हो गए तो इसका कन्वर्स जो होगा वो ट्रू नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी भी है लैग्रांजे थ्योरम की, जो कि जब हम एमसीक्यू कराएंगे तो वहाँ इसका यूज होगा। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप, यानी किसी फाइनाइट ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी ग्रुप का डिवाइजर ही होता है। अभी हमने क्या कर दिखाया था कि किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर होगा उसके जो डिवाइजर होंगे वो वही होते हैं जो कि उस ग्रुप के सब ग्रुप के ऑर्डर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ एलिमेंट के भी सेम वही होते हैं, तो मैं पहले ही वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए जी कोई ग्रुप है और क्या था, 1 -1 i और -i। ठीक है, ये क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है, क्या है फाइनाइट ग्रुप, क्योंकि फाइनाइट होना जरूरी है, 4 एलिमेंट है और ये मल्टीप्लीकेशन के लिए ग्रुप है। अब इसका ऑर्डर निकालेंगे हम, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक, उसके बाद क्या निकालेंगे हम, इसका डिवाइजर निकालेंगे, डिवाइजर। तो डिवाइजर कैसे निकालते हैं, डिवाइजर का मतलब इसके फैक्टर, 1 प्राइम फैक्टर नहीं केवल फैक्टर, तो 1, 2, 4 क्या हो जाएंगे, इसके डिवाइजर हो जाएंगे। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो डिवाइजर है वो इसके एलिमेंट के ऑर्डर भी हैं, और एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, ये हमने पहले डेफिनेशन बताया था कि अगर ए की पावर एन इक्वल टू ई हो, यानी कि एन क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो जो एन होता है वो ए का ऑर्डर कहलाता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, एन। शर्त क्या है कि एन क्या होना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और इक्वल में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। अब देखिए ये जो ग्रुप है वो मल्टीप्लीकेटिव के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए ग्रुप है, किसके लिए ग्रुप है, मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो अब हम इसके सभी एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे। 1 का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, पहले 1 की पावर क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी जाए, तो 1 की पावर 1 लिखेंगे तो आइडेंटिटी जाएगा। आइडेंटिटी क्या है इसकी, इसकी आइडेंटिटी है ई बराबर 1। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 जो हो गया वो 1 आ गया। अब 1 देखिए इसका डिवाइजर है, बिल्कुल सही है। अब हम दूसरा जो -1 है इसका ऑर्डर निकालेंगे, अब कितनी पावर लिखें यहाँ पे कि 1 आ जाए 16 के, तो क्या रखना पड़ेगा, हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाएंगे तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 क्या है, आइडेंटिटी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू हो गया 2। क्या 2 डिवाइजर है इसका, बिल्कुल सही है, देखिए ये आ गया। अब हम तीसरा क्या है, आइए अब आई की पावर कितनी लिखें कि 1 आ जाए, तो आई की पावर हमें कम से कम 4 लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं, 4, क्योंकि आई की पावर 4 को लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 क्या है, आइडेंटिटी है, क्या है, 1 आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी रहता जो पावर होती है वो उसका ऑर्डर कहलाता है, यानी ऑर्डर ऑफ आई जो हो गया वो आ गया 4, और 4 क्या है, देखिए डिवाइजर है। ठीक, अब यहाँ पे जो एक एलिमेंट हो रहा है उसका भी निकाल कर आप देख लीजिए, एक एलिमेंट है -i, तो -i की पावर कितना करें मिनिमम के बना जाए, तब भी बन रखना पड़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ -i कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ -i हो गया 4। ठीक है, और ये क्या है, इसका डिवाइजर है। तो यही बात इसमें बतानी थी कि किसी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उसके अगर हम डिवाइजर करें वो इसी ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके ऑर्डर ही होते हैं, जो इनके एलिमेंट के ऑर्डर होंगे वही इसके डिवाइजर होते हैं, ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब एक और प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
वो क्या है, देखिए ये वाली प्रॉपर्टी, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, यानी कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, अगर कोई प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो वो साइक्लिक होता है। ठीक है, तो पहले तो हमें प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, यानी जिसके फैक्टर एक तो 1 हो और एक वो स्वयं हो। जैसे 2 के जो फैक्टर हैं वो 1 और 2 हैं, इस तरह दूसरा क्या 3 है, इसका देखिए एक फैक्टर 1 और 3, एक क्या फिर 5, 5 का एक फैक्टर 1 और 5, ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, तो ग्रुप, अब हमें यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया, ये ग्रुप है 1 ओमेगा ओमेगा का, ये क्या है ग्रुप है, किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना 3 है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, साइक्लिक होता है। अब देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और ये क्या है साइक्लिक होता है। यानी कि किसी भी ग्रुप का अगर ऑर्डर प्राइम नंबर है, यानी कि वो 2, 3, 5, 7 इस तरह का है, तो उसे साइक्लिक ग्रुप के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं, जिसके जो एलिमेंट हो वो इसकी पावर ऐसे 1 की पावर m के फॉर्म में हो, यानी कि m के स्थान पर 1, 2, 3, 4 ऐसा हो सकता है। देखिए यहाँ पे, और ये क्या कहलाता है इसका डिवाइजर, ये जो कहलाता है इसका डिवाइजर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, या इसे हम देखिए इसका ऑर्डर भी बोल देते हैं, ये जो कहलाता है इसका डिवाइजर बोल दो, या इसका ऑर्डर भी होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ बताएंगे कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, अगर कोई ग्रुप है किसी प्राइम ऑर्डर का, देखिए यहाँ पर ऑर्डर इसका 3 है, तो ये साइक्लिक होता है। इस तरह और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, साथ में जो लैग्रांजी थ्योरम है उसको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें मैंने ऐसी बताई हैं जो कि MCQ जब हम कराएंगे ये सारी चीज़ें उपयोग होने वाली हैं। तो यहाँ मैंने इनका ज़्यादा डेरिवेशन नहीं दिया, क्योंकि MCQ करने में हमें डेरिवेशन नहीं करना, इसके स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। और मैं समझता हूँ कि इन सभी के जो स्टेटमेंट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे काले रंग की स्क्रीन पे, ब्लैक ब्लैक रंग की स्क्रीन पे पीले रंग से लिखा हुआ आ रहा है, उस पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज से कैसे जुड़ना है। ज़बरदस्त प्रैक्टिस चल रही है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि उनकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ के। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।